तुम्हारे सिर पर चोट लगने के कारण तुम बेहोश थे। तुमको यहाँ पर लाने वाले ये मास्टर जी हैं। मास्टर के कहने से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तुमने इन मास्टर जी के साथ में बहुत गलत किया। इनकी बेटी के कातिल को छुपाया, लेकिन बदले में इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम इस समय जिंदा हो तो केवल इनकी वजह से। तुम्हें देखकर सब डरते हैं तुमने ये सोचा, लेकिन वो तुम्हारी मसल पावर से नहीं बल्कि तुम्हारी इस यूनिफॉर्म की वजह से। वरना कोई किसी से भी नहीं डरता है, याद रखना। मादन कुट्टी, खाकी की कीमत क्या है अब पता चलेगी। अगर आप अच्छे ऑफिसर नहीं बने तो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन मत करना, क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करने से अच्छा है तुम घर पर ही बैठे रहो। वैसे यह बात सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। सेतुलक्ष्मी मैडम जल्दी रिजाइन करने वाली है। आप बोलते हैं ना कि 15 लाख देके ये नौकरी मिली, लेकिन आपको बता दूं रिश्वत से आईएएस की नौकरी नहीं मिल सकती। बहुत सालों तक काफी मेहनत करके आईएएस बनते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए सर। इतनी मेहनत से कलेक्टर बनी, अभी वो रिजाइन करने का सोच रही है। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही के कारण हुआ है। सेतु, मैं सेतु को समझाने या उसे तकलीफ देने नहीं आया हूँ। तुमने अपनी मेहनत से पाई है आईएएस के पद को मुझसे बदला लेने के लिए या मुझसे गुस्सा रहने के लिए रिजाइन मत करो। इससे बेहतर तो यह है कि मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। मैं तुमसे अलग होने के लिए कहीं भी साइन करने को तैयार हूँ। और मेरी वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे पास एकदम सुरक्षित है। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं वापस कर दूंगा। माँ, तुम हमेशा मुझसे अपने बेटे के बारे में रो क्यों रही है? शादी से पहले सर ने इसे मादन कुट्टू समझ के छोड़ दिया था, लेकिन अपने किए पे शर्मिंदा होने की वजह से कहीं और ही चला गया। जब हमने एक लॉज में रेड की तो हमें ये वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में मिला था। ड्रग्स के नशे से बाहर लाने के लिए डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया। माधव कुट्टी सर की वजह से इसे नई जिंदगी मिली है, आप ऐसा सोचिए। आज अगर ये यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ माधव सर की वजह से। उन्होंने इसे नई जिंदगी दी। घर में नहीं बताने के लिए मैंने ही माधव सर से कहा था। बेटी, तुम जैसा सोच रही हो माधव सर बिल्कुल भी वैसे नहीं है। गलती तो इंसान से ही होती है, उन्हें भी सुधरने का एक मौका देना चाहिए। अब कहाँ जाना है? मैं वो चटियार से मिलना चाहता हूँ। आइए आइए, वहां इतनी दूर क्यों खड़े, पास में आइए। चटियार, आपने ये घर इसको कैसे बेच दिया? चटियार, आप आखिर गए कहाँ थे? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये तीसरी चाय पी है मैंने, अब ये दीदी मुझे चाय पे चाय देती चली जा रही है। तू यहाँ क्यों आया? क्या चाहिए तुझे? क्या है ना चटियार, मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पुराना गरुणा बन के आपके सामने आया हूँ। देखो, जो हुआ उसको भूल जाओ, पुरानी बातें भूलनी ही पड़ती हैं, इसीलिए भूल जाओ। अरे,
आप मेरा विश्वास कीजिए। चटियार, गलती मेरी ही है। तुम्हारे जैसे अन्य देवता से मुझे धंधे की बात करनी नहीं चाहिए थी। आप मुझे माफ करिए चटियार, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी भी सेफ हैं। मैं आपको वो वापस दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी, बस एक छोटी सी। और वो सब आप जानते हैं, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरी वर्दी चली गई ना, वो वर्दी मुझे वापस चाहिए। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मेरी वर्दी वापस दिलाइए, वरना आपको जो ठीक लगे करिए। पिताजी, नहीं पिताजी, इसका भरोसा मत कीजिए, ये धोखा देगा। तुम चुप रहो, तुम पहले जाकर वो फाइल्स लेकर रहो, वर्दी की बात बाद में करेंगे। ये बेचारा माफी मांग रहा है, अगर इसने गलती के लिए माफी मांग लिया तो ये आगे हमारे काम आ सकता है, समझ गए? हाँ 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 हाँ, सुना चटियार जी, समझिए चटियार जी, पहले मुझे मेरी पावर चाहिए, पहले मेरी वर्दी, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स। जिस वक्त मुझे मेरी वर्दी मिल गई, उस वक्त से मैं आपके लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से सोचिए आप लोग। मुझे पता है कि हथियार और आरडीएक्स शहर से बाहर नहीं गए अभी तक, यहीं पर हैं। चटियार से मेरा वादा है कि उसने मेरी वर्दी दिलाई तो मैं पक्का उसकी मदद करूंगा। हाँ, वो मिनिस्टर आपका अच्छा दोस्त है ना, तो उससे एक बार बात करिए ना, इससे चटियार का फायदा होगा, नेता का होगा और मेरा भी फायदा होगा। तो मैं चलता हूँ। एक बात और, ये चोट की वजह से मुझे दर्द बहुत हुआ है, समझे ना? अयो चटियार, वो फाइल मिलने के बाद इसे वापस मार के फेंक देंगे। सुना आपने, इसकी बात बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वार्निंग। ऐसा नहीं लगा, उस दिन जिंदा छोड़ा इस वजह से ये हो रहा है। जल्दी से जल्दी उसे नौकरी वापस दिलाना चाहिए, नहीं तो किसी और के थ्रू ज्वाइन कर लेगा, और तुम्हारी वजह से वो सस्पेंड हुआ है तो पहला शिकार तुम्हारा करेगा। तुम्हारा बेटा पहले से ही कातिल है, उसके पास सबूत है, इसको तो पकड़ के पहले वो फांसी पे चढ़वाएगा, समझ गए ना? मिनिस्टर को फोन करो। हेलो। हेलो सेतु लक्ष्मी मैडम, मैं हेड कांस्टेबल राघव बोल रहा हूँ। हमारे माधवन कुट्टी सर का सस्पेंशन हटा दिया है। सर आज ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्ते चटियार जी, मैं सीआई माधवन कुट्टी। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि जिस दिन मुझे वर्दी मिलेगी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। वैसे हमारा श्रवण कहाँ पर है? वो बाहर गया है, कोई खास बात है क्या? मैं पार्वती कत्ल केस के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, समझे? अरे तुम क्या कर रहे हो?